आज हम देखेंगे गुलकंद बनाने का सबसे आसान तरीका, बिना गैस जलाए और बिना चीनी के आयुर्वेदिक तरीके से आज हम ये गुलकंद बनाएंगे जो गर्मियों में हेल्दी रहता है। और इस गुलकंद को आप एक साल तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो चलिए गुलकंद बनाने का सही तरीका देख लेते हैं। गुलकंद बनाने के लिए हमें यहाँ पर लेने हैं देसी गुलाब, जिनमें बहुत अच्छी खुशबू आती है और आयुर्वेदिक तरीके से गुलकंद इन्हीं से ही बनाया जाता है। तो हमने यहाँ पर ये 30 से 40 देसी गुलाब लिए हैं। इनकी पंखुड़ियों को हम अलग कर देंगे और जो ये ग्रीन पार्ट है इसे हमें हटा देना है। गुलकंद बनाने के लिए फ्रेश गुलाब का ही यूज़ करें। और यहाँ पर हमने इन सभी रोज़ पेटल्स को अलग कर लिया है। अब हम इन्हें पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि इनमें जो भी कोई डस्ट है वो निकल जाएगी। तो यहाँ पर हमने एक बड़े बर्तन में पानी ले लिया है और इन रोज़ पेटल्स को अच्छे से वॉश कर लेते हैं। तो देखिए सभी रोज़ पेटल्स को वॉश कर लिया है हमने। अब हम इन्हें एक स्ट्रेनर में डालेंगे। ऐसा करने से इनका एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। इन रोज़ पेटल्स को हमने स्ट्रेनर में डाल दिया है और जो कचरा है वो पानी में ही रह गया है। ये देखिए गुलाब की इन पंखुड़ियों को हम थोड़ी देर के लिए स्ट्रेनर में रहने देंगे और थोड़ी देर के बाद इन्हें हम चद्दर पर या किसी भी कॉटन क्लॉथ पर ड्राई कर लेंगे, जिससे इनका ऊपर का पानी एकदम ड्राई हो जाएगा। तो आप चाहें तो 15 से 20 मिनट के लिए इन्हें पंखे के नीचे सुखाएं, नहीं तो 1 घंटे के लिए इन्हें ऐसे ही सूखने दें, इनका पानी अपने आप ही सूख जाएगा। ध्यान रखें ज़्यादा देर के लिए गुलाब की इन पंखुड़ियों को ना सुखाएँ। और 1 घंटे के बाद ये देखिए मैंने इन पंखुड़ियों को स्ट्रेनर में डाल लिया है और ये एकदम ड्राई हो चुकी हैं। इनमें बिल्कुल पानी ना हो इस बात का ध्यान रखें। और अब हमने यहाँ पर मिश्री ली है। 100 ग्राम रोज़ पेटल के लिए हमने यहाँ पर 120 ग्राम मिश्री का पाउडर बना लिया है। चाहें तो यहाँ पर चीनी भी ले सकते हैं और चीनी की क्वांटिटी आप थोड़ी कम रखें, क्योंकि चीनी में चाशनी बन जाती है और मिश्री में थोड़ी कम चाशनी बनती है। अब हमें क्या करना है, इन रोज़ पेटल्स को एक बाउल में डालेंगे और ऊपर से थोड़ा सा मिश्री का पाउडर डालेंगे और इन्हें अच्छे से क्रश कर लेंगे। देखिए आप इस तरीके से मैशर से भी क्रश कर सकते हैं या हाथ से भी इन्हें इस तरीके से क्रश कर लें, ताकि मिश्री और ये गुलाब की पंखुड़ियाँ अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए इन्हें अच्छे से हम मैश कर लेते हैं। ऐसा करने से गुलकंद जल्दी बनकर के तैयार होता है। आप इसे गैस पर बिल्कुल ना पकाएं, गैस पर बनाने से चीनी की चाशनी बन जाती है जो हमारे लिए हेल्दी नहीं होती। तो देखिए हमने थोड़ी सी मिश्री को मिक्स कर लिया है। अब हम ऊपर से फिर से रोज़ पेटल डालेंगे और मिश्री का पाउडर डालेंगे और इन्हें हम फिर से मैश कर लेंगे। मिश्री की क्वांटिटी का ज़रूर ध्यान रखें। मिश्री में चाशनी कम बनती है तो आप मिश्री की क्वांटिटी ज़्यादा ही रखें। और यहाँ पर हमने मिश्री और रोज़ पेटल को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच शहद। शहद डालने से गुलकंद जमता नहीं है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इस बाउल को 5 से 6 घंटे के लिए ऐसे ही ढककर रख देंगे। 1 रात के लिए मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया था। अब हम इसे कांच के जार में डालेंगे। गुलकंद बनाने के लिए जो भी जार लें वो एकदम साफ़ हो और उसमें पानी की एक बूंद भी ना हो, इस बात का ज़रूर से ध्यान रखें। तो यहाँ पर हमने एक साफ कांच का जार ले लिया है, इसमें हम ये गुलकंद डाल देंगे। और देखिए हमने ये सारा गुलकंद डाल दिया है। अब हम इसे कॉटन क्लॉथ से कवर कर देंगे। इसे अच्छे से कवर करने के बाद इस जार को हम सनलाइट में रखेंगे 8 से 10 दिन के लिए। और देखिए सुबह मैंने इसे धूप में रखा है और शाम को हम इसे इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर से हम इसे कवर कर देंगे और नेक्स्ट डे इसे धूप दिखा देंगे। ऐसा हमें डेली करना है। ध्यान रखिए जब भी आप कोई स्पून इस जार में डालें वो एकदम साफ़ हो और गीली ना हो। और फिर से हम इस पर कॉटन क्लॉथ लगाएंगे और इसे धूप में रख देंगे। ऐसा हमें 8 से 10 दिन के लिए करना है, जब तक कि गुलकंद अच्छे से बन नहीं जाता। तो ये लास्ट ईयर का गुलकंद है जो अभी तक सही है। ये देखिए ये बिल्कुल भी जमा नहीं है, इसे मैंने फ्रिज में रखा था। तो यहाँ पर गुलकंद बनने के बाद आप इसे बाहर कई महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं और फ्रिज में आप इसे 1 साल से ज़्यादा भी रख सकते हैं। ये देखिए
तो घर पर गुलकंद बनाने का बिल्कुल सही तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है। आपको ये तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही और रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।